बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ शॉर्टली कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉलीफिरा। इसके बारे में बात करने लगी हूँ, फाइलम पॉलीफिरा के बारे में। फाइलम पॉलीफिरा, ये फाइलम पॉलीफिरा ना ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर पोर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं जी इसकी? करैक्टरिस्टिक्स एसिमेट्रिकल हैं, इनकी सिमेट्री होती नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत हो तो वो सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्री है। क्या है? एसिमेट्रिकल, या फिर हम लोग कह सकते हैं सुपरफिशियली। क्या है? सुपरफिशियली रेडियल, रेडियली सिमेट्रिकल। अब इसके अगर सेल्स टाइप्स की हम ऐसे बात की जाए तो इसके अंदर जो है ना 3 types ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कितने? 3 types ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं जी? इसमें आ जाती है पिनाकोसाइट्स, ठीक है। एंड द अदर इज द मेसेनकाइमा सेल्स, एंड द लास्ट इज द क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, ठीक है। सेंट्रल कैविटी के हवाले से बात की जाए ना, सेंट्रल कैविटी तो वो इसके पास होती है, सीरीज होती है, ब्रांचिंग चैम्बर्स होती हैं जिसके अंदर जो वाटर सर्कुलेट करता है ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग के दौरान। इसके अंदर क्या होती है? एक सेंट्रल कैविटी, जिसको हम लोग स्पॉन्जो सॉइल का नाम देते हैं। नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन, ना ही टिश्यू होता है और ना ही कोई ऑर्गन होता है। नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन, ये थी बेसिक 4 ऐसी मेजर करेक्टरिस्टिक जो कि फाइलम पॉलीफिरा को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ फाइलम पॉलीफिरा का, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है ना इसके स्ट्रक्चर जो है ना वो पाया जाता है। दिस इज इस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने बात की कि इसके अंदर क्वानोसाइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये है इसके अंदर पिनाकोसाइट्स। ये कहाँ हैं? आउटर लेयर से मिलके बनते हैं, जिसको हम लोग पिनाकोडर्म कहते हैं। कौन से सेल्स पाए जाते हैं? पिनाकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात की मेसेनकाइमा सेल्स की, ठीक है, जो कि पिनाकोसाइट्स से नेक्स्ट है और ये एक सेंटर पाथ है बिटवीन पिनाकोडर्म एंड क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स जो है ना वो इनर लेयर से मिलके बनते हैं, यानी कि क्वानोसाइट्स हैं क्वानोडर्म से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स। और ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं, ठीक है। ये थी बेसिकली ये मेसेनकाइमा सेल्स, जैसे कि एमोबॉइड सेल्स यदि आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इनर लेयर में क्वानोसाइट्स, ठीक है, मिडल लेयर में मेसेनकाइमा सेल्स, ठीक है, एमोबॉइड सेल्स, एंड द थर्ड लेयर इज द आउटर लेयर जिसको पिनाकोडर्म बोलते हैं, और वहां से कौन से सेल्स निकलते हैं? पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, मेसेनकाइमा सेल्स, ठीक है, और क्वानोसाइट्स। दीज आर दी 3 types दैट एग्जिस्ट इन फाइलम पॉलीफिरा। नेक्स्ट मैंने बात की एक सेंट्रल कैविटी के हवाले से, किसके हवाले से? सेंट्रल कैविटी, जो हमने मैंने बताई स्पॉन्जो सॉइल है, ये आप लोगों को सेंट्रल कैविटीज में नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा है इसका, बिल्कुल सिंपल से, जिसके अंदर कोई टिश्यू और कोई ऑर्गन नहीं मौजूद। इसके स्केल्टन की बात करें तो वो स्पिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? स्पिक्यूल से, एमोबॉइड सेल्स इसमें मौजूद हैं, और ये स्पिक्यूल्स होते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसकी बॉडी को, क्लियर। इसकी फर्दर जो है ना हम लोग एग्जाम्पल जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्जेस।
एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्जिस। इससे सबसे पहले बात करती हूँ साइकुन के हवाले से। किसके? साइकुन। साइकुन एक मरीन स्पॉन्ज है। साइकुन क्या है? एक मरीन स्पॉन्ज है, यानी कि मरीन इन्वायरमेंट में रहता है। क्लियर। उसके बाद बात करती हूँ ल्यूकोसिलिनिया की। लेकिन इससे पहले मैं आपको साइकुन का स्ट्रक्चर दिखाऊं, जो कि आप लोगों को इस फॉर्म में जो है ना वो नजर आता है। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइकुन। अब ये देखें, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? ये एग्जिस्ट कर रहा है मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट फर्दर दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जो है हमारे पास ल्यूकोसिलिनिया। ये जो है कंसिस्ट करता है इरेक्ट ट्यूब्यूल्स के ग्रुप के ऊपर। ये किस पे कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्यूल्स। कंसिस्ट ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स। ठीक है। नेक्स्ट मजीद एग्जांपल देती हूँ आपको ईयू प्लेक्टिला के बारे में। ईयू प्लेक्टिला जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और डेलिकेट स्पॉन्ज है। ये क्या है? ब्यूटीफुल और डेलिकेट स्पॉन्ज है। ठीक है। जो के ग्लासी फ्रेमवर्क से मिलके बनती है। ये किससे मिलके बनती है? ये ल्यूकोसिलिना तो इरेक्ट ट्यूब्यूल से मिलके बनी है। ठीक है। जबकि यू प्लेक्टिला की बात करें तो ये किससे मिलके बनी है? ये ग्लासी फ्रेम वर्क से मिलकर बनी है। और आम तौर पर इसको हम लोग जो है ना वो वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। किसका नाम देते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम और नेम ऑफ ईयू प्लेक्टिला? कॉमन नेम इज वीनस फ्लावर बास्केट। ये मैंने थ्री एग्जांपल्स दी आपको, साइकुन, ल्यूकोसिलिनिया और ईयू प्लेक्टिला। फर्दर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसका नाम है स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। फर्दर एग्जाम्पल किसकी है? स्पॉन्जिला की। दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने रखी है। ये क्या है? एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो वो है स्पॉन्जिला। अब मजीद हम लोग जो है ना डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, कि फाइलम पोलिफेरा की स्पीशीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो स्पॉन्जिन का जो स्केल्टन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों के लिए। किस लिए ज़रूरी है? ताकि वॉशिंग और बाथिंग के लिए। ठीक है। किसके लिए हेल्प करते हैं? यूज्ड बाय मैन इसके लिए इंसान इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के लिए और बाथिंग के लिए। आर्टिफिशियल स्पॉन्ज जो है ना वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आर्टिफिशियल स्पॉन्ज।
अब ये क्या करते हैं, ये कहाँ से मिलके बने, ये सिंथेटिक मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। जबकि जो नेचुरल स्पॉन्जेस होते हैं ना, वो डिमांड पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। पूरी दुनिया में स्पॉन्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। आर्टिफिशियल स्पॉन्ज कहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं, सिंथेटिक मटेरियल से, सिंथेटिक मटेरियल से, क्योंकि स्पॉन्जेस की जो फूड है उन्होंने क्या करना है, वाटर को फिल्टर करना है, ठीक है। तो इसके वाले से बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हम लोगों को नज़र आती है। जो ज़बरदस्त किस्म का जो कमर्शियल स्पॉन्जेस है ना, वो फाउंड वो पाया जाता है मेडिटेरियन सी के अंदर। कहाँ पाया जाता है, मेडिटेरियन सी के अंदर। स्पॉन्जेस के अंदर ज़बरदस्त किस्म की कैपेसिटी है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लें, अबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। इसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये सर्जिकल ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। ये क्यों सर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, ताकि जो फ्लूड है और जो ब्लड वगैरह है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। किसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन में, ऑपरेशन किसके लिए हेल्प करते हैं, ये फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड, क्लियर। और इनको जो है ना इस्तेमाल भी किया जा रहा है साउंड एब्जॉर्प्शन में। और जितनी भी अमारात वगैरह होती हैं जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, तो साउंड के एब्जॉर्प्शन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज्ड इन बिल्डिंग, क्या है, यूज्ड इन साउंड एब्जॉर्प्शन, क्लियर। ये सारा का सारा किसकी वजह से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर पाया जाता है सिक्यूल्स का, क्लियर।